गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन बायोमॉलिक्यूल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं डायस्टेरियोमर। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे फिशर प्रोजेक्शन बना के, ठीक है। उसमें अपन चेक कर रहे थे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन स्टार्ट करते हैं डायस्टेरियोमर। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं इसको। देखो, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। अगर अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दो ही कायरल सेंटर लेता हूँ एक बारी, OH, OH, H, H। तो लेट्स से यहाँ पे कुछ X ग्रुप है और यहाँ पे कुछ Y ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटर जो हैं, ये कायरल सेंटर आ रहे हैं, ठीक है। और एक्स और वाई डिफरेंट है, एक्स और वाई क्या है, डिफरेंट है। तो अब इस मॉलिक्यूल को देखो, अगर इसका मुझे चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, मतलब इनेंशियोमर, तो उसमें क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए इसका, मतलब दोनों की दोनों कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए। ये जो कायरल सेंटर पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों चेंज होनी चाहिए। अगर लेट से यहाँ पे ऐसा होता कि कोई एक ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही और एक सेम है, तो अब अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ और इसको सी बोलता हूँ, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ए और बी में तो क्या रिलेशन है, ये तो होगा एक दूसरे के इनेंशियोमर। लेकिन अगर मैं इधर ए और सी को कंपेयर करता हूँ, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के, डायस्टेरियोमर। मैंने ये चेक करना बताया, लेट से कि ये आर है और ये भी आर है, तो ऐसे में ये एस आएगा और ये भी एस आएगा, क्योंकि ग्रुप्स की पोजिशन चेंज होगी। लेकिन यहां पे अगर मैं देखता हूं, तो ये R ही रहेगा और ये S हो जाएगा, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, डायस्टेरियोमर, और इनमें रिलेशन क्या हुआ, इनेंशियोमर। तो यही सेम कंसेप्ट अब अपन किसके लिए यूज करने वाले हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। देखो किस तरीके से, जैसे मान लो कि मैं एक बायोमॉलिक्यूल लेता हूं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड्रिक ग्रुप ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे चेंज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। और यहां पे एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से, OH H H OH H OH OH H, यहाँ पे CH2OH हो गया और ऊपर वही अपना एल्डिहाइड्रिक ग्रुप, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं। देखो, ये कायरल सेंटर सेम, ये वाला कायरल सेम, यहां वाले कायरल में डिफरेंस आ रहा है और ये वाले कायरल में डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, ये वाला कायरल भी सेम है, सेकेंड वाला भी सेम है, डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, इस वाले कायरल में। देखो, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हुई है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इसको मैं ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर पे डिफरेंस आ रहा है, ओनली वन कायरल सेंटर। तो ये इनेंशियोमर तो होंगे नहीं, दे आर डायस्टेरियोमर्स, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक। तो अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, दे डिफर ओनली एट वन कायरल सेंटर, ठीक है, देयरफॉर दे आर डायस्टेरियोमर्स। इनेंशियोमर्स हो नहीं सकते, तो क्या रिलेशन होगा, डायस्टेरियोमर। अब अगर ये डायस्टेरियोमर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे डायस्टेरियोमर्स जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर पे डिफरेंस आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। तो इन दोनों में जो रिलेशन है, दे आर एपीमर्स ऑफ ईजन। तो अगर हम एपीमर्स की डेफिनेशन लिखें, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, दे आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ विच आउट ऑफ मल्टीपल कायरल सेंटर, खूब सारे कायरल सेंटर थे मॉलिक्यूल में, आउट ऑफ मल्टीपल कायरल सेंटर्स
ठीक है, ओनली वन कॉन्फिग्रेशन डिफर्स, ओनली वन कॉन्फिग्रेशन डिफर्स, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है, जहां पे हमारा ये वाला डिफरेंस इस पॉइंट पे आ रहा है, बाकी ये तीनों के तीनों सेम है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिनमें ऐसा रिलेशन बन रहा है उनको क्या बोलेंगे, एपिमर। ठीक, जैसे देखो इसको अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि इस तरीके से तुमको स्ट्रक्चर दिया जाए, ठीक है, दो स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से बना देता हूं, CH2OH, ठीक है, और यहां पे एक और स्ट्रक्चर अपन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, और यहां पे मैं चेंजेस कर देता हूं एट टू पॉइंट्स। अब इसमें देखो, यहां पे समझना, ये वाला कायरल और ये कायरल सेम है, ये कायरल और ये कायरल सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, इन दोनों पॉइंट्स में। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां पे ये सेम नहीं है, दिख पा रहा है यहां डिफरेंस आ रहा है। तो अब कितने पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इज एट टू कायरल सेंटर्स। तो अब मैं इनको एपिमर्स नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एपिमर के लिए सिर्फ एक कायरल सेंटर पे डिफरेंस होना चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे, दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। उसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये डायस्टीरियोमर्स हैं एक दूसरे के, दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर बट नॉट एपिमर्स, बट नॉट एपिमर्स, एपिमर्स नहीं बोल सकते इनको। डायस्टीरियोमर्स तो है ये, क्योंकि एनेंशियोमर नहीं है, दो ही कायरल पे डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एपिमर भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एपिमर्स के लिए एक ही कायरल पे डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, जैसे चलो अब देखो, जैसे यहाँ पे अपन ने ये दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो इसमें अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूँ और उनमें फिर आपस में अपन रिलेशन कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूँ, CH2OH, चलो, और इसको C बोल देता हूं। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं A और C को, ठीक है, और B और C को, इनको अपन कंपेयर करते हैं, तो A और C को देख रहे हैं आप, तो A और C में कहां का डिफरेंस आ रहा है, पहला सेम है, सेकेंड वाला सेम है, थर्ड सेम है, और ये भी सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, कोई डाउट इसमें किसी को, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, ए एंड सी आर सिमिलर। ठीक, अब अगर बी और सी को कंपेयर करते हैं, तो बी और सी में देखो, ये वाला पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट सेम है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक सिंगल पॉइंट पे ही डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एपिमर। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, एपिमर्स हो जाएंगे। सेंस बनाती है अपनी बात, ठीक, तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अपन अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली एपिमर्स के बाद आते हैं अपने पास एनोमर्स। अपन इसको ये बोल सकते हैं, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर्स ओनली, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर्स ओनली। अब देखो किस तरीके से, ठीक है, पहले अपन यहां पे इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं फिर समझते हैं। देखो मान लो तुमको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दे रखा हो, अभी मैं बताता हूं कि ये स्ट्रक्चर कहां से आता है। ठीक है, मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा ये,
CH2OH। इस स्ट्रक्चर को अपन अभी डिस्कस करेंगे कहाँ से आया है। अभी अपन समझते हैं कि एनोमर्स क्या होते हैं। ठीक, तो अगर इधर तुम देखो, चलो एक स्ट्रक्चर इसके साथ जिसके साथ कंपेयर करना है वो बना लेते हैं। तो मान लो कि मैं इस पॉइंट पे इसको चेंज कर देता हूँ, बाकी एज इट इज पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज बना देता हूँ। ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमने एज इट इज बना दिया। तो इधर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला कायरल सेंटर जो है, ये वाला कायरल सेंटर सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ओनली दिस कायरल इज डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सारे के सारे कायरल बाकी के सेम। ठीक है, तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से ये एपिमर्स कहलाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, दे आर साइक्लिक। तो ऐसे एपिमर्स जो साइक्लिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एनोमर। ठीक है, ऐसे एपिमर्स जो साइक्लिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। ठीक, और जिस कायरल सेंटर पे डिफरेंस आ रहा है इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंड कायरल एटम विच इज डिफरेंट, एंड कायरल एटम विच इज डिफरेंट इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो जैसे इसको अगर मैं वन बोलता हूँ, ठीक है, इसको वन बोलते हैं और इसको टू बोलते हैं, तो वन और टू मेरे यहाँ पे क्या है, दे आर एनोमेरिक कार्बन। और इन मॉलिक्यूल्स में आपस में रिलेशन क्या आएगा, अगर इसको ए बोला और बी बोला तो ए एंड बी दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। एनोमर्स क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर्स जो साइक्लिक होते हैं। तो अब अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि दे आर स्पेशल टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर्स, जिसमें डिफरेंस सिर्फ एक कायरल पॉइंट पे आ रहा है और साथ के साथ स्ट्रक्चर साइक्लिक हो। तो अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखो तो ये क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको समझें तो पहले डायस्टीरियोमर्स, अब उसमें अगर सिर्फ एक कायरल पॉइंट पे डिफरेंस आता है और प्रोजेक्शन मेरे पास फिशर प्रोजेक्शन है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिमर। और अगर यही एपिमर साइक्लिक हो जाता है तो इसको फिर हम क्या बोल रहे हैं, एनोमर। ठीक है, तो ये एक फ्लो थोड़ा सा याद रखना कि किस तरीके से वर्क करता है। इसी में आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। देखो क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी इसको थोड़ा सा समझा जाए। ठीक है, ये चेयर फॉर्म बनाया मैंने यहाँ पे, इधर O है और यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे OH लगा हुआ। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल। और एक स्ट्रक्चर में ले रहा हूँ जिसमें OH मेरा एक्सियल पोजीशन पे है और यहाँ पे O लगा हुआ। ठीक है, अब देखो इस O के पास दो लोन पेयर होंगे इस तरीके से। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो ये हाइड्रोजन और लोन पेयर में इंट्रैक्शन हो सकता है और इस वजह से यहाँ पे क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर ये एक्सियल पोजीशन पे है तो ये हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से इंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, काफी दूर है लोन पेयर से, कोई इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, नो इंट्रैक्शन। तो अब अगर इन दोनों में मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, इसको ए बोल देते हैं इसको बी बोल देते हैं, तो ऑब्वियसली ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये स्टेबिलिटी की, तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसको याद मत कर लेना, ठीक है, इस चीज को याद नहीं करना, क्योंकि देखो अगर यही एग्जाम्पल इस तरीके से आ जाता, अगर यही एग्जाम्पल अपन इस तरीके से ले लेते, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर यहां पे,
इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, इधर भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। यहाँ पे अब मैं लेता हूँ OCH3 और इधर भी ले रहे हैं OCH3। ये कौन सा केस हुआ? जब मैंने एक्सेल पे लिया। और ये कौन सा केस हो गया? जब हमने इक्वेटोरियल पे लिया। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, और इस लोन पेयर के बीच वजह से यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है? रिपल्शन। और इस वाले केस में रिपल्शन नहीं है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो एक्सेल हमारे पास क्या आ रहा है? इक्वेटोरियल से ज्यादा स्टेबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबल करने के लिए। तो रिपल्शन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। और क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो कोई सोर्स ही नहीं है इसको स्टेबल करने का। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सेल वाला है दैट इज मोर स्टेबल देन इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक, कि पोजीशन के हिसाब से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स डिफर कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ पे अब एक और काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स अपने पास इधर आते हैं, हेमी एसिटल। अगर क्वेश्चन देखे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछा जाता है कि गिवन कंपाउंड में कितने हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स हैं या कितने हेमी एसिटल्स ग्रुप हैं। तो अब देखते हैं, इसको समझते हैं हेमी एसिटल्स होता क्या। एल्डिहाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसी एल्कोहल के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या फॉर्म होगा? RCOR1OH। ठीक है, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर अपने पास बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, उसमें एक OH ग्रुप, एक OR ग्रुप, एक H ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अगर ये चारों किसी कार्बन पे दिखे लगे हुए दिख रहे हैं तो वो कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे अपने पास? हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे अपन उनको? हेमी एसिटल। नोट करके एक पॉइंट लिखा जाए, दे कैन गिव टॉलेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट। देखो टॉलेंस फेलिंग्स टेस्ट एल्डिहाइड का टेस्ट होता था। ठीक है, हेमी एसिटल्स ग्रुप ये टेस्ट देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये किससे बने? एल्डिहाइड से। लेकिन टेस्ट तो एल्डिहाइड का था, यहाँ पे तो अपने पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए नोट करके ये पॉइंट लिखवाया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है फिर भी ये टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा कि किस वजह से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन थोड़ी सी देर के लिए ग्लूकोज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, ग्लूकोज, तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं इधर ग्लूकोज। ठीक है, थोड़ा सा ग्लूकोज को डिस्कस करते हैं। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो अपन बना ही चुके हैं, फिर से बना देते हैं एक बार। यहाँ पे कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? सिर्फ सेकंड वाले पॉइंट पे डिफर कराओ, OH OH OH, सेकंड पॉइंट पे H, दिस इज ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा? हेमी एसिटल पढ़ा। हेमी एसिटल्स में किस किस की रिएक्शन हो रही थी? एल्डिहाइड और एल्कोहल। अब अगर ग्लूकोज को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एल्कोहल ग्रुप भी है और इसमें खुद में एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो क्या होता है ये आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप और OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ग्लूकोज कैन अंडरगो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन।
इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, ये आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा, ये तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि टोटल स्टीरियो यहाँ पे कितने आएंगे, 2n, और कितने कायरल सेंटर है यहाँ पे, 4 कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि रिंग फॉर्मेशन इज पॉसिबल। अब जैसे ही रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाएगी तो तुमको समझ में आएगा कि एनोमर्स का सिग्निफिकेंस क्या होगा। अब ये हेमी एसिटल का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, उसी की वजह से यहाँ पे एल्डिहाइड और ओएच की रिएक्शन देख रहे हैं। तो अगर ये साइक्लिक फॉर्म में चला जाता है तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसमें नंबर डाल लेते हैं अपन ताकि रिएक्शन समझने में आसानी हो। देखो इसको 1 बोल रहा हूं मैं, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। ठीक, तो ये जो OH है ये 6 नंबर का OH है मेरा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इसने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है तो, ठीक है। और जब अटैक हुआ होगा ये डबल बॉन्ड O पर, तो यहाँ पे क्या बना अपने पास, H और O माइनस, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। 2 पे कोई चेंज नहीं है, 3 पे कोई चेंज नहीं है, 4 पे कोई चेंज नहीं है, 5 पे कोई चेंज नहीं है, तो इनको एज इट इज बना दिया जाए, 5H CH2OH OH H OH OH H, ठीक है। इसको देखते हुए अपन ने बस बनाया है यहाँ, और ये O माइनस है। अब देखो यहाँ पे क्या होता, इधर हो जाएगा प्रोटॉन एक्सचेंज, क्या हो गया है यहाँ पे, प्रोटॉन एक्सचेंज, और प्रोटॉन एक्सचेंज करके ये स्ट्रक्चर किस फॉर्म में जा चुका है अपना, यहाँ पे O OH H। अभी समझाता हूँ कि मैंने इसको चेंज क्यों कर दिया, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे थोड़े से 2-3 पॉइंट समझते हैं अपन इधर। अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये जो 1 नंबर का पॉइंट है, तो ये क्या है अपने पास, इट इज अ न्यू कायरल डेवलपिंग, ये एक नया कायरल पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, पहले नहीं था, पहले यही कायरल थे, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स की बात करी कि पहले एन 4 ही थे, अब ये वाला एक नया कायरल सेंटर बन रहा है। तो अगर ये नया कायरल सेंटर बन रहा है तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दोनों फॉर्म से मतलब R और S, इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा आएगा कि ये CH2 और OH एंटीपोजिशन पे क्यों गए, या ये CH2 और OH ट्रांसपोजिशन पे क्यों गए, ठीक है। तो इसको मैं अभी थोड़ी सी देर में डिस्कस करता हूँ, या चलो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक। हमारा क्वेश्चन क्या है कि CH2 OH और OH, ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन पे क्यों है, ये ट्रांसपोजिशन पे क्यों है, चलो तो इसको देखा जाए थोड़ा सा। यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो फिशर प्रोजेक्शन से अगर मैं इसका सॉहर्स देखता हूं तो सी डबल बॉन्ड ओ एच ऊपर आ रहा है, ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में एच और राइट में ओ एच, देखो इससे कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट में एच राइट में ओ एच, ठीक है। फिर नेक्स्ट कायरल पॉइंट पे क्या हो रहा है, लेफ्ट में ओ एच और राइट में एच, नेक्स्ट कायरल पे क्या हो रहा है, राइट में ओ एच और लेफ्ट में एच, और नेक्स्ट कायरल पॉइंट पे क्या हो रहा है, राइट में ओ एच लेफ्ट में एच और ऊपर सी एच टू ओ एच, ठीक है। नंबरिंग हमने यहाँ से करी थी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये ओ एच को लिया था, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा था रिएक्शन में, ये वाला ओ एच रिएक्ट कर रहा है,
ठीक है, लास्ट वाला ओएस। अब देखो इसको भी तुम यहाँ समझ सकते हो कि यही क्यों ओएस रिएक्ट कर रहा है। इससे जो रिंग है हमारी वो सिक्स मेंबर रिंग बन रही है, ज्यादा स्टेबल। ये करेगा तो सेवन मेंबर बनती और ये वाला करेगा तो फाइव मेंबर बनती। तो मोस्ट स्टेबल यही वाला है जब ये वाला ओएच अटैक करे, ठीक है। तो अब इस वाले ओएच को अटैक करना, ये समझ में आ रहा है, दिस ओएच शुड अटैक। अब इसको अगर अटैक करना है तो अभी तो ये कैसे अटैक कर पाएगा, इसके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, तो ये रोटेट करने की कोशिश करेगा ताकि ऊपर आ जाए और अटैक हो सके। तो अगर इसका रोटेशन मैं करा देता हूं तो क्या बन जाएगा, देखो यहां ऊपर तो वही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा। तो लेफ्ट में एच, राइट में ओएच, लेफ्ट में ओएच, राइट में एच, लेफ्ट में एच, राइट में ओएच। अब जब इसको रोटेट करा तो सी एच टू ओ एच लेफ्ट में आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा और ओएच इधर चला जाएगा, ठीक है। इसको रोटेट कर रहे हैं, इस वाले ग्रुप को ओएच को ऊपर लेके जाना, समझ में आ ही रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब अपन देख सकते हैं कि सी एच टू ओ एच और ओ एच कहाँ पे है, एट ट्रांसपोजिशन, इसी में दिख रहा है, आगे मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहां पे आ रहे हैं, ये ट्रांसपोजिशन पे आ रहे हैं, ठीक। एक बार पीछे चलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स अपन ने बनाए थे इनमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ एक कायरल पॉइंट पे डिफर कर रहे हैं, ठीक है, वन और टू एक कायरल पे डिफर कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलूंगा मैं, दे आर एनोमर्स। साथ की साथ अगर ध्यान से देखो तो कार्बन पे ओ एच ग्रुप, ओ आर ग्रुप, एच ग्रुप और आर ग्रुप, तो ये और क्या है, दे आर हेमी एसिकल। तो ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, वो हेमी एसिकल्स है, एनोमर्स है, और ये जो स्टार कार्बन हमने बना रखा है, ये जो स्टार कार्बन हमने बना रखा है, ये कार्बन फिर कैसा कहलाएगा, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। जिस पॉइंट पे डिफर आता है एनोमर्स में उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। चलो ये भी क्लियर है कि क्यों ये ट्रांसपोजिशन पे आ रहा है, वो अपन ने यहां पे देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या होता है जनरली जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसका परसेंटेज एक्वस मीडियम में काफी कम रहता है। देखो उसको भी अपन यहां पे समझते हैं, इधर देखो क्यों कम रहता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करते हैं इधर, ठीक है, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, तो इनमें अगर तुम डिफरेंस देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसका अटैक हुआ तो यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड ब्रेक, जबकि इधर क्या हो रहा है, इधर अपने पास दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कैसे, ये एक इसके बीच में और प्रोटोन एक्सचेंज से ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक वीक बॉन्ड टूट रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, रिएक्शन की टेंडेंसी होनी चाहिए इस डायरेक्शन में जाने की, वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो वही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब जो फिशर प्रोजेक्शन हमने बना रखा था, तो परसेंटेज ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर इन एक्वस मीडियम इज वेरी लेस। रीजन अपन ने देख ही लिया, क्योंकि क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड ब्रेक होके बन क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो वीक बॉन्ड टूट के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है ही अपने लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो अब अपन वो दो फॉर्म बना लेते हैं जिसमें कि अपन बोल रहे हैं, हमने बोला ना कि वो कायरल सेंटर, नया कायरल सेंटर बन रहा है तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे बेटर तरीका जो होता है बनाने का, जो तुमको किताबों में भी मिलेगा, इस तरीके से बना हुआ मिलेगा, एच ओ एच वन ओ एच एच, सेकेंड वाले पॉइंट पर डिफरेंस आता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच एच, ठीक है। और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, बस इसको रिवर्स कर दो,
ये एनोमेरिक कार्बन है, इसमें बस मैं पोजीशन क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ OH, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज OH H OH H H CH2OH। ठीक है, अब अगर इसमें देखो तो यहाँ पे ट्रांस आ रहा है ये OH अपोजिट पोजीशंस पे, और यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये क्या हो गया अपना सिस, OH जो है सेम साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये क्या कहलाता है अपने पास, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे था तो डी बीटा डी ग्लूको पायरानोज, ये इसको बोला जाता है। पायरानोज क्यों बोलते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पायरन, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो इससे मैच करता हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पायरानोज। ग्लूकोज था उसके लिए ग्लूको, डी फॉर्म था OH राइट में आ रहा था, और ये बीटा है इसलिए बीटा, ट्रांस को बीटा बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको फिर हम सिमिलरली क्या बोल देंगे, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पायरानोज क्यों बोल रहे हैं, पायरन स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है इसलिए। इक्विलिब्रियम का सिंबल लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि अगर एक्वस मीडियम होता है तो एक्वस मीडियम में ये एक दूसरे में क्या है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, चेंज होते रहेंगे। ठीक, तो सिमिलरली फाइव मेंबर रहता है तो फ्यूरानोज का भी एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो वो अपन आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज एक बार इतना समझो, फिर अपन टॉलेंस टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट भी कराएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में म्यूटा रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है।